बना है तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एक बार मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा छोटा बारीक प्याज लहसुन आदि और हरा मिर्च काट लिया है। थोड़े बड़े पीस में प्याज और मिर्च को अच्छे कम काट लिया है। पहले कढ़ाई में तेल लेंगे, इसमें हरा मिर्च और लहसुन और आदि को मैंने काट रखा है, उसे डालेंगे। उसको डालने के बाद थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन होने तक उसे छोड़ दें। उसके बाद छोटा छोटा जो मैंने प्याज काटा है उसे डालते हैं डालेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद मैं कैप्सिकम और प्याज जो बड़े टुकड़ों में मैंने काट रखा है उसे डालूँगी। उसके बाद मैं ऐसे ऐसे चलाऊँगी और थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट की गुजारिश मिलेगी कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आई रिक्वेस्ट यू। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और उसके बाद मैं विनेगर डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं सोया सॉस विनेगर और चिल्ली सोया चिल्ली चीनी डालूँगी। फिर टमाटो करके डालूँगी। सारे सॉसेस डाल मिलाऊंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कैसा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर बुरी लगे तो कमेंट करें। अगर मेरे में कुछ नहीं